अच्छी बनी है ना, आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं बनाने लगी आलू ऐसे काट के, आलू और पालक। इतने पीसेस करने, हरी मिर्ची अब मैं काटूंगी, हरी आलू काटूंगी। हरी मिर्च बनेगी आज, आधी पालक और मटर। पहले आलू भूनूंगी मसाले में, ये मैंने पारे के लिए बारीक बारीक वॉश कर दिए, धो के काट के बारीक बारीक काटिए मैंने, फिर वॉश किया इसको अच्छी तरह ताकि मिट्टी गंद वगैरह उसमें होता है ना, डस्ट होती है बीच में, वो साफ हो जाए। अब मैं आलू पालक और मटर पकाऊंगी। मैंने प्याज काट लिए, अब मैं डालूंगी इसमें घी ऑयल, मसाला पहले तैयार करूंगी। अब जाएंगे इसमें टमाटर, जो टमाटर है ना अच्छे से दरियानी लटके जाते मैंने धो के वॉश कर दिए। देखिए जो मटर है वो मैं एंड पे डालूंगी, मटर देखो पानी कितना छोड़ दिया है।
सा देख के मैंने एक कप थोड़ा सा, एक कप से थोड़ा सा ज्यादा था, आधा कप देखो। जितनी भी पत्तों वाली होती है ना सब्जी, पानी छोड़ती है। साग में पानी डालो ना, वो भी इसी तरह हो जाएगा। जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा ना, इतना इतना ऐसे होगा ना सर, फिर इसमें डालोगे मटर, ऐसे थोड़े से इसमें मटर डालें। फिर हम ढक देंगे इसको। घी ऊपर आ गया, घी ऊपर आ जाएगा तो ऐसे धनिया और हरी मिर्च मजेदार बने हैं आलू मेथी, आलू पालक और मटर, देखते हैं कैसे बने। अब मैं इसको भी शॉर्ट करूंगी। अच्छी बनी है ना, आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि कैसी रही। वाह क्या सीन है। मुझे अच्छा लगेगा, अब बताएंगे मुझे।